अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अलिशबा ताहिर है, लाहौर से ताल्लुक़ रखती हूँ। पेशे से एक इंजीनियर हूँ, मगर दिल से उर्दू अदब की और ज़िंदगी की एक छोटी सी तालिबे हूँ। जॉय ऑफ उर्दू ने जो सोशल डिस्टेंसिंग की ये कैंपेन स्टार्ट की है, जिसके तहत वो कहते हैं कि जी घर बैठिए और किताबें पढ़िए, विच इज़ अ वेरी 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 गुड इनिशिएटिव, उसके तहत इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो है जी एस बुखारी, जिनको कॉमनली पतरस बुखारी के नाम से जाना जाता है, उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम। उनकी एक नरेशन है जिसका उन्वान है हॉस्टल में पढ़ना। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसका मैं आपको एक एंडिंग एक्सर्प्ट पढ़ के सुनाती हूँ। एंड इट गोज़ लाइक, अब हमें ये इंतज़ार कि कब हम फेल हों और कब अपने अगले साल के लिए अर्जी भेजें। इस दौरान हमने उन तमाम दोस्तों से ख़तों की दावत की जिनके मुतल्लिक यकीन था कि अगले साल फिर इनकी रफाकत नसीब होगी, और उन्हें यह मसद्दा सुनाया कि आइंदा साल हमेशा के लिए कॉलेज की तारीख में यादगार रहेगा, क्योंकि हम तालीमी ज़िंदगी का एक वसी तजुर्बा लिए अपने साथ आ रहे हैं, जिससे हम तलबा की नई पोत को मुफ्त मुस्तफीद फरमाएंगे। अपने जहन में हमने हॉस्टल में अपनी हैसियत एक मादर मेहरबान की सी सोच ली, जिसके इर्द गिर्द ना तजुर्बाकार तलबा मुरही के बच्चों की तरह भागते फिरेंगे। सुपरिटेंडेंट साहब, जो किसी ज़माने में हमारे हम जमात रह चुके थे, उनको लिख भेजा कि जब हम हॉस्टल आएँ तो फ़लाँ फ़लाँ मरावत की तवक्का आपसे रखेंगे और फ़लाँ फ़लाँ कवायद से अपने आप को मुस्तस्ना समझेंगे। इतला अनर्स है। और ये सब कुछ कर चुकने के बाद हमारी बदनसीबी देखिए कि जब नतीजा निकला तो हम पास हो गए। हम पे तो जो जुल्म हुआ सो हुआ, यूनिवर्सिटी वालों की हिमाकत मुलायजा फरमाइए कि हमें पास करके अपनी आमदनी का एक मुस्तकिल ज़रिया हाथ से गवा बैठे। बहुत अच्छा लिखते हैं जी, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, किसी ने नहीं पढ़ा तो इसको ज़रूर पढ़ें, और तो इट्स अ वेरी फेमस मज़मून। बट इसको शेयर करने का मेरा मकसद भी यही था कि सीरियस किस्म का लिटरेचर तो हम सभी पढ़ते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट कुछ खुश कलामी भी होनी चाहिए साथ साथ। सो दैट वॉज़ माई पार्ट। इसके अलावा मैं आपको इकबाल के एक शेर के साथ सोचता हुआ छोड़ के जाना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि जी, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊँ, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊँ, बेबाकी ओ हक गोई से घबराता है मोमिन। थैंक यू सो मच।